दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार चौतरफा दिन रात काम कर रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है। पिछले 4-5 सालों के दौरान लगभग 25% से ज़्यादा PM10 और PM2.5 का स्तर जो है वो कम हुआ है। वर्ष 2019 में PM2.5 की वजह से दिल्ली में, अकेले दिल्ली में प्रति 1,00,000 लोगों पर 106 मौत हुई है, और ये आंकड़ा पूरी दुनिया में इससे हुई औसत मौतों से लगभग दुगना है। यानी दिल्ली में दुगने लोग मर रहे हैं दुनिया भर के औसत के हिसाब से। दुनिया में PM2.5 की वजह से प्रति 1,00,000 लोगों पर औसतन 58 मौतें हो रही हैं, और दिल्ली में 106 मौत हो रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में दिल्ली 2.5 के मामले में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। 2019 में दिल्ली की हवा में PM2.5 का स्तर 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जबकि कोलकाता में 84। और हैरानी की बात यह है कि अकेले दिल्ली में सिर्फ PM2.5 की वजह से लगभग 30,000 लोगों की जान चली गई। सोचिए, पिछले 2.5 वर्षों में दिल्ली में कोविड से लगभग 26,000 लोग मरे हैं कोविड से, जबकि अकेले PM2.5 के प्रदूषण से एक साल में कोविड से भी ज्यादा 30,000 लोग मर गए।